आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 प्रश्नावली 8.3 JCERT मैथ का देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 यानी टोटल चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ हम उतार लिए हैं कि नीचे दिए गए, ये नीचे इधर से लिखाएगा, नीचे दिए गए प्रतिरूपों को ध्यान से देखकर प्रतिरूप को बनाने के लिए प्रयोग किए गए आवश्यक तिलियों की संख्या, तिलियों मतलब ये माचिस की तिल्ली है, चर का प्रयोग कर मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, इसमें दो ठो तिल्ली है, कितना ठो तिल्ली, दो ठो, मतलब हमें चर का प्रयोग करना है। चर का मतलब क्या होता है, चर देखिए, ए एक चर है, बी भी एक चर है, सी भी एक चर है, डी भी एक चर है, ई भी एक चर है, इस तरह से जेड तक जितना भी है ना अल्फ़ाबेट, सब ये क्या है, एक चर है। तो हमको चर का उपयोग करना है, तो कोई भी चर का उपयोग कर सकते हैं, ए बी सी डी से लेकर जेड तक कोई भी। तो देखिए यहाँ पर दो गो तिल्ली है, तो के एन देंगे, दो गो एन देंगे, के गो एन देंगे, दो गो एन, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए के गो तिल्ली गिनिए, एक दो तीन चार, तो यहाँ देंगे चार एन देंगे, है ना। यहाँ की तिल्ली गिनिए, दो चार छः, तो यहाँ छः एन देंगे। और यहाँ तिल्ली गिनिए, दो चार छः आठ, तो यहाँ पर आठ एन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो चर का प्रयोग करके आंसर निकाल लिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग बी को करेंगे, ये ए का हो गया, ये बी का होगा। देखिए इसमें क्या तिल्ली, एक ठो दो ठो और ये एक ठो तीन ठो, तो इसमें कितना एन लिखेंगे, इसमें थ्री एन लिखेंगे, ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए, इसमें यहाँ तीन ठो और इसमें तीन ठो, कितना हो गया, छः ठो, तो छः एन लिखेंगे। इसमें देखिए तीन ठो छः ठो और तीन ठो नौ ठो, तो नौ एन हो गया। अब इसमें देखिए तीन ठो छः ठो तीन नौ ठो और तीन बारह ठो, तो इसमें बारह एन हो गया। यानी तिल्लियों की संख्या आपका क्या हो गया, आंसर खत्म हो गया। इसमें सब में लिख सकते हैं आंसर, हम नहीं लिख दिए हैं तो लिख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है कि परवेज अपने छोटे भाई से दो वर्ष बड़ा है। परवेज एक लड़का है, अपने छोटे भाई से कितना वर्ष बड़ा है, दो वर्ष बड़ा है। बोले चर का प्रयोग कर परवेज की उम्र ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो परवेज अपने छोटे भाई से दो वर्ष बड़ा है, तो अपने छोटे भाई से, तो लिखेंगे माना सबसे पहले उसका भाई का आयु ज्ञात करेंगे। माना परवेज की भाई की आयु, परवेज की भाई की आयु बराबर, सबसे पहले उसका मान लेंगे हम लोग एक्स। क्यों, क्योंकि परवेज अपने भाई से दो साल छोटा है, यानी दो वर्ष बड़ा है। तब देखो परवेज के भाई की आयु कितना हो गया, एक्स वर्ष हो गया। अब परवेज की आयु मान लेंगे, क्या मान लेंगे, परवेज की आयु, तो परवेज की आयु क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा है कि परवेज जो है अपने छोटे भाई से दो वर्ष बड़ा है, अपने छोटे भाई से कितना बड़ा है, दो वर्ष बड़ा है। तो देखो इसका छोटा भाई का आयु कितना है, एक्स वर्ष, और ये दो वर्ष बड़ा है, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, तो एक्स प्लस दो, और चर का उपयोग करने के लिए कहा था, तो ये निकल गया। इसके बाद आपको कहा गया है ना, एक व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहा गया था, तो व्यंजक हम प्राप्त कर दिए। अब चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो दो नंबर का आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया, यानी एक्स प्लस टू वर्ष। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि आकृति में एक सम पंचभुज दिया गया है। सम माने बराबर, पंचभुज माने पंचभुजा। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई वाई सेंटीमीटर, सेमी मतलब सेंटीमीटर है। परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो आपको सूत्र प्राप्त करने के लिए कहा गया, इसमें से प्रत्येक भुजा, ये पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा, पांचवा भुजा, सब दिया है वाई सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दिया है, वाई सेंटीमीटर। तो किसी भी चतुर्भुज रहो या पंचभुज रहो, एक फॉर्मूला इसको ज्ञात करने के लिए क्या आता है, तो लिखेंगे यहाँ पर पंचभुज का परिमाप, पंचभुज का परिमाप। तो पंचभुज का परिमाप क्या होता है, इसमें पाँच का भुजा है, तो क्या हो जाएगा, पाँच ए, पाँच ए, यानी पाँच गुनी भुजा लिख दो, पाँच गुनी भुजा। अब देखिए पाँच का पाँच, भुजा का मान कितना दिया था, वाई सेंटीमीटर, तो क्या रखेंगे, वाई सेंटीमीटर, और पाँच को वाई से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, पाँच वाई, तो आपका हो गया निकल गया, है ना। इस पर पंचभुज का क्या हो गया, परिमाप निकल गया, यानी पाँच वाई। आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर वाई सेंटीमीटर दिया था तो वाई सेंटीमीटर रख दिए, है ना। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन कहा है कि महेश तीन संख्याएं 11, 15, 16 लेकर दो अलग अलग तरीकों से योगफल प्राप्त करते हैं। मतलब महेश एक लड़का है, तो इसमें तीन को संख्या सोचता है और तीनों को अलग अलग करके जोड़ता है, जैसे एक नंबर दो नंबर में दिखाया गया है।
आपको क्वेश्चन पूछा है ए नंबर में कि संख्याओं के इस गुण को क्या कहते हैं। देखिए आपको देख रहा है ए प्लस बी इंटू प्लस सी, इसको क्या बोलते हैं? योग का सहचारी गुण। तो एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? योग का सहचारी गुण, योग का सहचारी गुण हो जाएगा, आपका आंसर खत्म हो जाएगा, यानी योग का सहचारी गुण है। इसके बाद बी नंबर पूछा है चर का प्रयोग कर व्यापक नियम लिखिए। अब आपका नियम क्या कहता है आपको? ए प्लस बी इंटू प्लस सी, ये क्या आता है? योग का व्यापक चर का एक नियम कहता है, यही कहता है। या इसको कोई कोई से लिखता है ए इंटू प्लस बी प्लस सी, कोई वाला भी दो अंदर के दीजिए, ये वाला क्या होता है? इसका नियम होता है, योग के सहचारी योग का व्यापक नियम होता है। अब चलिए हम लोग पाँचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पाँचवा क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से अंकीय व्यंजन और बीजीय व्यंजन छाँट कर लिखिए। मतलब अंकीय व्यंजन को और बीजीय व्यंजन को छाँट कर लिखने के लिए कहा गया है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, चार आठ को क्या दे दिया है आपको? ऑप्शन दे दिया है, आपको छाँट कर लिखना है। तो देखिए अंकीय व्यंजन, अंकीय व्यंजन मतलब क्या होता है? उसमें केवल अंक रहेगा, उसमें चर पद नहीं रहेगा। चर पद मतलब क्या? ए बी सी डी वगैरह सब नहीं रहेगा। और अंकीय व्यंजन मतलब क्या होगा? केवल अंक रहेगा। तो देखिए अंकीय व्यंजन कौन कौन हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि इसमें क्या है? दो तीन तीन है, इसमें कोई चर संख्या नहीं है, तो बी नंबर आपका अंकीय व्यंजन हो जाएगा। और सी नंबर तो होगा नहीं, डी नंबर भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एम लगा है, चर पद है। ई नंबर देखिए ये भी हो जाएगा क्योंकि इसमें कहीं भी चर पद का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ई नंबर भी आपका अंकीय व्यंजन हो जाएगा। एफ नंबर नहीं होगा क्योंकि इसमें एम लगा है, एम एक चर पद है। और देखिए जी नंबर, जी नंबर भी हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है? केवल एक अंक है, इसमें कोई भी चर पद नहीं है। चर पद का उपयोग होगा तो बीजीय व्यंजन, और केवल अंक का प्रयोग होगा तो आपका क्या हो जाएगा? अंकीय व्यंजन। अब तो बीजीय व्यंजन में क्या बचा? ए नंबर बचा, आपका ए नंबर बचा, बी नंबर तो हो गया, सी नंबर बचा क्योंकि इसमें क्या है? इसमें चर पद एक्स है, तो सी नंबर हो जाएगा। डी नंबर भी हो जाएगा क्योंकि क्या है? एम बटे दो, एम क्या है? एक चर पद है। अब देखिए सी, ई नंबर देखिए होगा नहीं। एफ नंबर भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी एम लगा है। जी नहीं होगा, एच हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है? सोलो माइनस टू पी, मतलब इसमें भी क्या है? चर है, तो यानी एच नंबर भी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग छठवां क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सातवां छठा क्वेश्चन कहा गया है कि रूही एक लड़की है ना, एक्स कमा दो और तीन की सहायता से व्यंजक बनाती है। व्यंजक मतलब देखे थे दो प्लस तीन एक व्यंजक है। शर्त यह रखा गया है, यानी शर्त यह है कि प्रत्येक व्यंजक में चर एक्स हो, यानी प्रत्येक व्यंजक में क्या होना चाहिए? चर होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तथा जोड़ एवं घटाव में से एक और गुना तथा भाग हो, मतलब जोड़ भी होना चाहिए, घटा भी होना चाहिए, और गुना भी होना चाहिए और भाग भी होना चाहिए, में से संक्रिय का प्रयोग करना है। रूही के द्वारा बनाए गए सभी व्यंजकों को लिखिए। तो चलिए इसको व्यंजक कैसे बनाएंगे आपको ध्यान से देखिए। क्या क्या कहा गया? आपको दिया गया है एक्स है, दो है और तीन है, ये आपको दिया गया है। आपको व्यंजक बनाना है जिसमें से एक्स सभी में होना चाहिए और दो भी होना चाहिए, तीन भी होना चाहिए। और एक शर्त रखा गया है कि प्लस में भी होना चाहिए, माइनस में भी होना चाहिए, गुणा में भी होना चाहिए, भागा में होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला हम लोग चर बनाते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3, क्योंकि ये प्लस में भी है और गुणा में भी है। अब दूसरा हम लोग क्या बना सकते हैं कि ये 2x माइनस 3, क्योंकि ये प्लस और माइनस में कर दिए है ना, और 2x भी होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए, मतलब तीनों सभी व्यंजक में तीनों आना चाहिए, और एक प्लस में और एक माइनस में और एक गुणा में है ना। तो ये दो हो गया। अब इसको तीसरा रूप में क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखिए। तो अगर हम 3x को लिखें और ये प्लस 2, क्योंकि 3 को पीछे कर दिए और ये 2 को आगे कर दिए। चौथा रूप में क्या लिख सकते हैं कि 3x माइनस 2, क्योंकि ये 3x को पीछे कर दिए और 2 को आगे कर दिए, माइनस में हो गया। ये तो हो गया केवल जोड़ और घटा में, आपका गुना और भाग में भी लिखना है। गुना और भाग में देखिए गुना में कैसे लिखेंगे भाग में, तो देखो भाग में एक्स बटे 2 प्लस 3 कर सकते हैं। छठा नंबर में क्या कर सकते हैं कि एक्स बटे 2 माइनस 3, क्योंकि यहाँ प्लस की जगह क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सातवां नंबर में क्या कर सकते हैं कि एक्स बटे यहाँ पर 2 की जगह 3 दे देंगे और ये 2 को हम प्लस में लिख देंगे। आठवां नंबर में क्या कर सकते हैं कि एक्स बटे 3 और माइनस में 2 कर सकते हैं, यानी इसको क्या करेंगे? इसे व्यंजक के रूप में लिख दिए। तो रूही द्वारा बनाए गए व्यंजक इतना बड़ा हो जाएगा है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सातवां की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सातवां का है निम्न सारणी को पूरा कीजिए। ये जो आपको सारणी दिया गया है इसको पूरा करना है, जो खाली स्थान दिया गया ना इसको पूरा करना है। पता लगाइए y के किस मान के लिए y प्लस 2 बराबर 5 होता है। y प्लस 2 बराबर क्या होता है? 5 होता है। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता देते हैं
क्या दिया है, y प्लस टू बराबर कितना होता है, 5 होता है, ये आपको दिया गया है। तो सभी खाली स्थानों का मान भरना है। तो देखिए यहाँ y का मान सबसे पहले कितना दिया है, 1, कितना दिया, 1। तो देखिए इसके बाद देखिए क्या कहा गया कि y प्लस टू का मान ज्ञात कीजिए, y प्लस टू का मान, यानी आपको ये ज्ञात करना है। देखिए यानी y का मान कितना दिया है, 1, तो y के बजाय कितना रखेंगे, 1 प्लस 2 का 2, और 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ भरा जाएगा 3, है ना। अब देखिए फिर से देखिए y प्लस टू इसमें हम बार बार लेंगे, और इसमें y का मान अभी क्या रखेंगे, अभी 2 रखेंगे, क्योंकि एक बार 1 रखे हैं यहाँ पर, अभी क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो देखिए यहाँ 2 रखिए, 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ कितना भरा जाएगा, 4। अब देखिए तीसरा बार में यहाँ नीचे y प्लस टू का y प्लस टू लिखना है ना, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया गया था। इसमें से y का मान अभी 3 रखना है, तो 3 रखेंगे और 3 दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, तो यहाँ 5 भरा जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देखिए y प्लस टू और y का मान अभी 4 रखेंगे, तो 4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ पर कितना भरेगा, 6 भरेगा। फिर देखिए यहाँ हम y प्लस रखेंगे 2 और y का मान अभी रखेंगे 5, तो 5 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 7। फिर देखिए y प्लस 2 लिखेंगे और y का मान इस बार हम लोग 6 रखेंगे, 6 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8, तो यहाँ पर 8 भरा जाएगा। 5 रखें तो कितना आया था, 7, और 6 रखें तो कितना आया, 8 आया, है ना। आप देखिए y प्लस 2, y प्लस 2, अब देखिए y का मान इस बार कितना रखना है, 7 रखना है, तो 7 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 9, तो यहाँ पर 9 भरा जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर यहाँ क्या है, y प्लस 2 और y का मान कितना रखना है, 8, तो 8 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10, और यही वाला आपका क्या हो जाएगा, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। बस ये वाला क्या कर दिए, यहाँ पर हम भर दिए, तो यहाँ 10 भरा जाएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग भर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि इनमें से कौन समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, तो जो व्यंजक में बराबर होता है, यानी कोई भी समीकरण में बराबर होता है तो वह समीकरण होता है, और जिसमें बराबर नहीं होता है वह समीकरण नहीं होता है। तो देखिए इसमें तो बराबर यहाँ पर दिख रहा है तो यह समीकरण होगा, इसमें भी दिख रहा है तो यह भी समीकरण होगा, तो कौन वाला नहीं होगा, बी नंबर और डी नंबर, ये दोनों समीकरण नहीं है, ये दोनों समीकरण नहीं है, तो बी और डी, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखने के ये बी नंबर, मतलब बी जो है समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। उसके बाद सी तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बराबर है, जिसमें बराबर रहेगा वो समीकरण होगा, और जिसमें बराबर नहीं रहेगा वो समीकरण नहीं होगा, तो डी नंबर भी हो जाएगा, तो डी समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, है ना। अब चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कहा गया है कि y के किस मान के लिए समीकरण 12 माइनस y बराबर 5 सही है, ये 4 को आपको ऑप्शन दिया गया है। ध्यान से देखिए आपको y का कौन सा मान सही होगा, तो सबसे पहले आपको निकाल के देखना पड़ेगा क्या दिया है, कि सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे हल करके कि 12 माइनस y बराबर कितना दिया है सर, 5 दिया है, है ना। तो y का मान यदि निकालेंगे, हमेशा समीकरण में इसमें y का मान निकाला जाता है, तो देखिए ये 12 प्लस में है, तो बराबर की यदि उधर करेंगे ना तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि बराबर 12 के पीछे यहाँ कुछ नहीं, क्या है, प्लस में, जब बराबर के दहना सड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो हो गया। आप देखिए माइनस वाई का माइनस वाई रहेगा, क्योंकि यह माइनस वाई था, तो देखिए 12 में 5 जाएगा तो 7, लेकिन माइनस 7 बचेगा, क्यों, क्योंकि बड़ा मेरा कौन है, 12 है, और इसके आगे माइनस है तो माइनस। अब देखिए ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, वाई का मान कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो वाई का मान 7 कौन सा ऑप्शन में, सी नंबर, तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना, यानी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन का है कि इससे पहले आपको संकेत दिया है कि समीकरण बनाकर, तो सबसे पहले आपको समीकरण बनाना है, उसके बाद प्रश्न संख्या 10 से लेकर 15 तक, आप पर देख सकते हैं यहाँ पर 10 से लेकर 15 तक आपको आंसर देना है। पहला कहा गया है कि मैं एक संख्या हूँ, मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझसे 11 घटाएंगे तो 11 ही पाएंगे, जितना पाएंगे उतना बराबर के राइट हैंड साइड लिखेंगे, यानी दायां साइड, तो बताइए मैं कौन हूँ, मैं एक संख्या हूँ। तो चलिए इसको सबसे पहले मान लेते हैं कि माना एक संख्या बराबर एक्स, एक संख्या बराबर एक्स, क्योंकि चार में आपको समीकरण ज्ञात करना पड़ता है, तो मैं एक संख्या हूँ ये वाला मान लिए, है ना। इसके बाद इसमें क्या कहा गया कि यदि मुझ में 11 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 11, तो देखिए हम एक्स में 11 घटा दे रहे हैं, एक्स में 11 घटा देंगे, क्योंकि क्या बोला है कि यदि मुझ में 11 घटाएंगे, तो एक संख्या क्या माने, एक्स,
बोल रहा है कि गारो घटाइए, तो गारो घटा दिए है ना, तो कितना पाएंगे, गारो घटाएंगे तो गारो ही पाएंगे, यदि गारो घटाएंगे तो कितना पाएंगे, गारो ही पाएंगे, जितना पाएंगे उसको बराबर के देना सर लिखना है। तो ये एक समीकरण बन गया, समीकरण करके बोलना, उसके बाद क्या कहा, समीकरण बनाने के बाद उसको हल करने बोला, तो इसको हल भी हम लोग करेंगे। चलिए एक्स का मान तो निकालने जानवे करते हैं, ये देखिए ये माइनस गारो है बराबर के उधर जगह क्या हो जाएगा, प्लस गारो, क्योंकि पचहत्तर का नियम से कोई संख्या बराबर के बायां सड़ रहता है तो बराबर के दायां सड़ जाता है, तो वह माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है। अब गारो गारो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बाईस। तो वहाँ पूछा था ना क्वेश्चन में कि बताइए मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं बाईस हूँ, मैं कौन हूँ, बाईस हूँ, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग ग्यारहवां क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन, ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझे चार से भाग देंगे तो मान लेंगे, माना एक संख्या बराबर, एक संख्या बराबर क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स, मैं एक संख्या हूँ यदि मुझे चार से भाग देंगे, तो क्या देंगे, चार से भाग, मतलब क्या हो जाएगा, ये चार और ये क्या देंगे, चार से भाग दे देंगे, चार से क्या दे देंगे, भाग, तो भाग दे देंगे, तो बोल रहा है तो बारह पाएंगे, कितना पाएंगे, बारह पाएंगे, क्या हो जाएगा, बारह, कोई संख्या एक्स है, एक्स है, इसमें चार से भाग देंगे तो भाग दे देंगे, तो कितना पाएंगे, बारह, तो बराबर के साइड में क्या लिखेंगे, बारह। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स का एक्स और ये चार इधर भागा में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, क्या हो जाएगा, गुना में, क्योंकि आपको पता है कोई भी जो चर या अचर पद जो होता है बराबर के बाएं साइड में प्लस होता है तो उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस, और इधर माइनस रहता है तो उधर जाके हो जाता है प्लस, और इधर गुना रहता है उधर जाता है भागा, और इधर भाग में रहता है तो बराबर के उधर हो जाता है गुना, ये चीज़ को याद रखिएगा है ना। तो देखिए इधर भागा है उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना, तो एक्स का मान निकालिएगा तो बारह चौके कितना आएगा, अड़तालीस। तो बताइए मैं कौन हूँ, मैं अड़तालीस हूँ, मैं कौन हूँ, अड़तालीस। अब चलिए बारहवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए बारहवां प्रश्न कहा गया है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु से 24 वर्ष बड़ी है। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि किसका आयु किससे अधिक है। देखो पिता की आयु पुत्र से अधिक है, तो सबसे पहले पुत्र का मानेंगे, जिससे अधिक है ना उसी का सबसे पहले मानेंगे है ना। यदि पिता और पुत्र की आयु का योग 48 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी होगी है ना। चलिए मानते हैं, सबसे पहले कहें कि माना पुत्र की वर्तमान आयु, इसलिए माने क्योंकि पुत्र जो है ना अपने पिता से छोटा है, तो सबसे पहले पुत्र का मानेंगे, इसका क्या मानेंगे, x वर्ष मानेंगे, कितना मानेंगे, x वर्ष, तथा पिता की वर्तमान आयु x प्लस 24 वर्ष, क्योंकि अपने पुत्र से कितना साल बड़े हैं, 24 साल बड़े हैं, तो बड़े मतलब यहाँ देंगे प्लस, छोटे बोलते देते माइनस है ना, तो यहाँ 24 साल हो गया यानी x प्लस 24 साल। तो बोल रहा है कि दोनों के आयु का योग, दोनों के आयु का योग, देखिए क्वेश्चन को देखिए, कहा है कि यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 48 वर्ष है, तो मान लेंगे हम प्रश्न अनुसार, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार माने प्रश्न के अनुसार, पिता और पुत्र, तो देखिए पुत्र का क्या है x वर्ष और पिता का क्या है x प्लस 24 वर्ष, दोनों का आयु का योग, योग मतलब जोड़, कितना है 48 साल है, तो बराबर कितना मिलेगा 48 साल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x का x और यहाँ x का x प्लस का प्लस और ये प्लस का प्लस और 24 का 24 बराबर 48 वर्ष, एक x और एक x ये दोनों x है तो जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 2x प्लस 24 का 24 और 48 का 48, इसमें से देखिए ये प्लस 24 है बराबर के उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसमें x का मान निकालिए, 48 में 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 24, और 2 इधर गुना में है x के साथ क्या है गुना में, तो बराबर की तरह क्या हो जाएगा भाग में, भाग मतलब बट्टा में, इसको भाग दीजिए, 12 दुना कितना हो जाएगा 24 और 2 एकम 2 यानी x का मान कितना निकल गया 12। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि पिता और पुत्र की आयु 48 वर्ष है तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की आयु बराबर, हम पुत्र की आयु क्या माने थे x वर्ष माने थे, तो पुत्र की आयु x वर्ष और x का मान क्या आया 12 आया, इसका लिख देंगे 12 वर्ष, पुत्र का आयु क्या हो गया 12 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया है ना। इस प्रकार से देखिए 13वां क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए 13वां प्रश्न कहा गया है कि जरीना की बड़ी बहन परवीन जरीना से 3 वर्ष बड़ी, यानी परवीन जो है जरीना से 3 वर्ष बड़ी है और दोनों के आयु का उम्र का योग 19 वर्ष है, तो जरीना और परवीन की उम्र की आयु, जरीना और परवीन की, देखिए सबसे पहले मान लें कि माना
जरीना की आयु x वर्ष तथा परवीन की आयु x प्लस 3 वर्ष है ना। आप कह रहे हैं कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार कहे कि दोनों बहन की आयु का योग यानी जरीना की आयु और परवीन की आयु x प्लस 3 दोनों की आयु का योग कितना दिया है, 19 साल कितना दिया है, 19 साल दिया है, 19 साल तो बराबर लिखेंगे 19 साल। इसको भी सॉल्व कीजिए, x का x रहेगा, प्लस का प्लस और 3 का 3 बराबर 19। अब एक एक्स और एक एक्स हो जाएगा 2x और ये प्लस 3 है, बराबर को उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा माइनस 3। अब देखिए यहाँ x का मान निकालिए, 19 में 3 जगह तो बचेगा आपका 16 और 2 इधर गुना में है, इसको कर दीजिए भाग में और 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 अठी 16। एक्स का मान कितना निकल गया 8 वर्ष, कितना निकल गया 8 वर्ष। इसमें पूछा था कि जरीना और परवीन की आयु ज्ञात कीजिए, जरीना और परवीन की आयु ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे कि जरीना की आयु बराबर, जरीना की आयु बराबर, जरीना की आयु क्या माने थे x वर्ष, क्या माने थे x वर्ष, और x का मान क्या आया, x का मान आया 8, यहाँ लिखेंगे 8 वर्ष, तो जरीना का आयु निकल गया आंसर। उसके बाद परवीन की आयु लिखेंगे, परवीन की आयु बराबर, परवीन की आयु क्या माने थे x प्लस 3 वर्ष माने थे सर, है ना, x प्लस 3 वर्ष और x का मान कितना आया 8, तो यहाँ बिठा दीजिए 8 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 11 वर्ष हो जाएगा परवीन की आयु। इस प्रकार से हम लोग आंसर निकालेंगे। अब देखिए 14वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 14 नंबर कहा है कि प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों का हल कीजिए। तो समीकरण को हल करना बहुत ही ईजी होता है, चलिए आपको बताते हैं बहुत ईजी तरीके से। देखिए यहाँ क्या है 2y, तो 2y का 2y, 16 का 16, पहले सॉल्व करके जैसे का तैसे लिख लीजिए। इसमें से y का मान निकाला जाता है, कोई भी समीकरण में y रहेगा या x रहेगा उसका मान निकाला जाता है। तो देखिए 16 का 16 इधर देना है सर, जैसे का तैसे रहेगा। अब 2 जो है y के साथ गुना में है, क्या है गुना में, तो बराबर किधर रहेगा तो भाग में, बट्टा मतलब क्या होता है भाग, तो ये उधर भाग में आ जाएगा और 2 से काटिए, 2 एकम 2 और 2 अठी 16, तो y का मान कितना हो जाएगा 8, बट्टा में 1 नहीं होता है तो y का मान आपका 8 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, ये देखिए 20 माइनस एक्स बराबर 12, तो देखिए माइनस एक्स का मान रहने दीजिए, जिसमें यहाँ वाई था चर, तो चर का मान रहने दिए, यहाँ चर एक्स है तो एक्स को रहने देंगे। अब ये प्लस 20 में है, बराबर किधर क्या है प्लस में है, तो उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, तो 20 में 12 जगह कितना बचेगा माइनस 8 बचेगा, क्यों, क्योंकि ये 20 बड़ा है और 12 छोटा है, तो देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ क्या बचा 8, तो इसका भी आंसर 8 होगा। इसी नंबर का देखिए, ये देखिए m प्लस 2 बराबर 14, यहाँ सबसे पहले सॉल्व कीजिए है ना। अब देखिए m का मान निकालना है, तो ये 2 मेरा प्लस में है, बराबर को उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस में, और m का मान निकालेंगे कितना निकलेगा 14 में 2 जगह कितना बचेगा 12, तो आपका 8 आंसर आपका 12 हो गया, पहला वाला 8, दूसरा वाला 8 और तीसरा वाला 12 आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग 15 नंबर को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई x से 2 सेंटीमीटर कम है, x से 2 सेंटीमीटर कम है, तो बोल रहा है कि उसका परिमाप x के पद में ही ज्ञात करने के लिए करा है, मतलब इसका परिमाप x के पदों में ही ज्ञात करने के लिए। पहले समझो क्वेश्चन की कि उसका परिमाप सॉरी उसकी भुजा की लंबाई कितना है x से 2 सेंटीमीटर कम। तो देखिए ABCD एक वर्ग है, वर्ग में सभी भुजाएँ बराबर होता है, सभी भुजाएँ क्या होती है बराबर होती है, तो बोल रहा है कि इसकी वर्ग की भुजा की लंबाई यानी वर्ग की भुजा की लंबाई कितना दिया है कि x से 2 सेंटीमीटर कम है, 2 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी वर्ग की भुजा की लंबाई कितना हो गया 2। वर्ग की भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं a, इसका मान कितना निकल गया x माइनस दो, भुजा मतलब क्या होता है एक ही बात है। तो पूछा है कि इसका परिमाप x के पदों में ज्ञात कीजिए यानी वर्ग का परिमाप देखिए, परिमाप का मतलब क्या होता है चारों किनारों का योग। तो देखिए चार को किनारा है तो क्या हो जाएगा 4 गुनी भुजा, इसको क्या बोलते हैं भुजा बोलते हैं, किनारा बोलिए या भुजा बोलिए, तो 4 गुनी भुजा माने चार को भुजा है, तो 4 का 4 और भुजा का मान कितना निकल गया x माइनस 2, तो यहाँ रखिए x माइनस 2 गुना कीजिए 4 के 4x माइनस 4 दोनों कितना हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा 8 और ये x के पदों में हो गया, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा है ना। तो इस प्रकार से टोटल प्रश्नावली आपका क्या होता है, इस प्रकार से टोटल आपका प्रश्नावली खत्म हो जाता है ना। आशा करते हैं कि आप सभी लोग को प्रश्नावली 8.3 समझ में आ गया होगा।
तो आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।